दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। सुशील पाल एमटीवी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी एक मंजूरी चाहूंगा कि मेरे दो सवाल हैं, तो मैं चाहूंगा कि दो सवाल की मुझे अनुमति दी जाए। आप दोनों एक साथ पूछ लो, मैं एक साथ दोनों का आंसर। हाँ, दोनों एक साथ ही। है वो आप ही के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड की जो कोरोना वायरस जो दुनिया में आया, ऐसे में प्रकृति ने खुद को साफ किया, खुद को स्वच्छ किया। गंगा नदी की मैं बात कर रहा हूँ, गंगा की जो नदी है इस वक्त बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन क्योंकि गंगा के लिए साफ करने के लिए बहुत बड़ा बजट मोदी सरकार ने जारी किया है, लेकिन क्या अब जब दोबारा से लॉकडाउन हट जाएगा, वापस से दिनचर्याएं शुरू हो जाएंगी, तो क्या गंगा को हम उतना ही साफ रख पाएंगे? इसको लेकर मोदी सरकार क्या तैयारी करने वाली है? और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोदी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लगातार मोदी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जो GST का राजस्व है राज्य सरकार का, वो मोदी सरकार नहीं दे रही है। चलिए, मैं पहले GST की चर्चा आपके सामने करना चाहता। मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी ये बात कही थी कि 46,000 करोड़ रुपया जो टैक्स डिवोल्यूशन का बनता था, वो ट्रांसफर हो गया। GST का पैसा किसी भी प्रदेश की सरकार का नहीं रुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, वो होता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जीएसटी में, जब जीएसटी का कानून देश में लागू हुआ था, तब ये तय किया गया था कि जिस राज्य को आज जितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो टैक्सेस रेवेन्यू अगर 3 साल तक उसमें किसी महीने में कमी आती है तो उसको भारत सरकार कंपनसेट करेगी। उसमें जीएसटी काउंसिल में ये निर्णय हुआ कि वो कंपनसेशन कहां से करेगी भारत सरकार, कि हमने सिन गुड्स पर, शराब पर, महंगी कारों पर, महंगी वॉचेस पर 24% टैक्स लगाया। आपकी जानकारी में होगा किन किन चीजों पर 24% टैक्स लगता है। सिन गुड से जो राजस्व अर्जित होगा, उसके माध्यम से जो पैसा है वो कंपनसेशन के रूप में, जो है रेवेन्यू डेफिसिट कंपनसेशन के रूप में प्रदेशों की सरकारों को ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने अभी आपको कहा कि हमने एक भी पैसा काटे बिना 46,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन में से ट्रांसफर किया, जबकि हमारा पैसा कम हुआ था, हमारा भी राजस्व 70% कम हुआ था, लेकिन फिर भी हमने पेमेंट किया। हम राज्यों को, एक भी राज्य का पैसा हमने रोका नहीं है, सब राज्यों को हम पैसा देना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान है और तुरंत उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये खुलासा करके बताया। दूसरा विषय मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक इसको देखें और जाने कि क्या वास्तविकता है। देश का नागरिक को अब ये समझना चाहिए कि हकीकत क्या है और क्यों जो है किस तरह से लोग राजनीति करके और हकीकत से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे मंत्रालय के बारे में आपने प्रश्न किया। देखिए, निश्चित रूप से हम सब ने अनुभव किया, प्रकृति ने अपने आप को बहुत तेजी के साथ में करेक्ट किया, बहुत तेजी के साथ में सुधार हुआ। मैं जानता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पर ऐसे आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि ओजोन की लेयर में जो छेद हो गया था, वो जो है ओजोन की लेयर का छेद वापस ढक गया है, वापस बंद हो गया। मैंने अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, आप सब के टीवी चैनल्स के माध्यम से देखा कि पंजाब से जो है धौलाधार के पहाड़ दिखाई देने लगे, या सुल्तानपुर से जो है माउंट एवरेस्ट दिखाई देने लग गया। मैंने आप सबके टीवी चैनल्स के माध्यम से देखा कि गंगा नदी साफ हो गई। मैं एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नदी के या पानी के जो स्रोत हैं उनकी अशुद्धि का कारक क्या होता है? पहला कारक होता है जो सूवेज, जो सीवरेज का पानी जो जाता है, वो सूवेज का ट्रीटेड, अनट्रीटेड, आधा अधूरा ट्रीटेड पानी जो नदियों में जाता है, जल स्रोतों में जाता है, वो पोल्यूशन करता है। इंडस्ट्री जब का जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पोल्यूशन क्रिएट करता है। और तीसरा जो है हमारा नदी के साथ में व्यवहार, क्योंकि हमारी रिवर्स जो है वो लिविंग रिवर्स, हमारी रिवर्स जो है वो जिंदा नदियां हैं, हमारा उनके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार है। हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, जानवरों के मलमूत्र साफ करने के लिए, और पूजा के लिए, अर्चना के लिए, सब काम के लिए नदी के तट पे जाते हैं और वहां कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, चाहे फूल छोड़ करके आते हैं, चाहे पानी छोड़ करके आते हैं, अपने कपड़ों का साबुन छोड़ करके आते हैं, अपने नहाने का साबुन छोड़ करके आते हैं, नहाते हैं तो धोकर अपनी गंदगी छोड़ करके आते हैं, कुछ ना कुछ नदी को देकर के आते हैं। वो दो तीन चीजें पोल्यूशन का कारक होती है।
तीन में से दो अभी बंद थी, लेकिन तीसरी बदस्तूर चालू थी, सूरज उतना ही जा रहा था जितना पहले जा रहा था। अगर मोदी जी की सरकार के प्रयास से गंगा नदी पर बनाए गए 100 इंफ्रास्ट्रक्चर जो सूरज ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो नहीं होते, तो मित्र आज तो ये कोविड की समस्या तो आज आई है, दो तीन महीने पहले। इससे पहले अक्टूबर के महीने में मैंने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन मंत्रालय के माध्यम से किया था, जिसमें देवप्रयाग से लेकर के फ्रेजरगंज तक, जहां समुद्र में जाकर के गंगा विलीन होती है, कलकत्ता से 40 किलोमीटर आगे, वहां तक नाव से लोग गए थे। वैज्ञानिक भी थे, वेंडर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग भी थे, एक्वाटिक एनिमल्स का स्टडी करने वाले वैज्ञानिक भी थे। वो जब शुरू हुई थी उसका फर्स्ट लेग में देवप्रयाग से ऋषिकेश तक मैं खुद नाव में बैठ करके आया था। मैंने सारे वैज्ञानिकों को पानी पिलाया भी था और खुद नदी में से उठा करके पानी पिया था। मैंने दावे के साथ में जब शुरू हुई थी तब उनसे कहा था कि ऋषिकेश तक पानी जो है वो आचमन के योग्य है, पीने के योग्य है। हम किसी नदी से, पूरी दुनिया में कोई अपेक्षा नहीं करता कि सीधा नदी में से उठा करके पानी पिए, पूरी दुनिया में इस लंबाई की नदी से, जबकि दुनिया की नदियों के परिप्रेक्ष्य में हमारी नदी तो लिविंग रिवर्स है। कोई दुनिया की नदी ऐसी नहीं है जिसमें छठ के दिन 20 करोड़ लोग स्नान करते होंगे, या किसी पूर्णमासी के दिन 5 करोड़ लोग स्नान करते होंगे, या सामान्य दिन में 1 करोड़ लोग स्नान करते होंगे और 1 करोड़ पशु पक्षी अपना जो है सब कुछ वहां विसर्जित करके आते होंगे। वो केवल भारत में ही है, लेकिन फिर भी बैदिंग क्वालिटी रिवर की अपेक्षा की जाती है। मैंने उस दिन भी ये बात जिम्मेदारी से कही थी, आज भी कह रहा हूं कि आगामी कुंभ के समय में हम हरिद्वार तक सुनिश्चित करेंगे कि आप हरिद्वार में जाओ। पिछले कुंभ के समय में 22 कोविड से पहले 22 करोड़ लोग इस बात के गवाह थे कि नदी का पानी मोदी जी के प्रयास के कारण से शुद्ध हुआ है, और इस आने वाले कुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं न्योता देता हूं, आप आंख मूंद करके नदी में से पानी उठा करके पीजिएगा, कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं भारत सरकार का जल मंत्री हूं। लेकिन जो कुछ प्रयास हमने किए हैं 5 साल में, उसका परिणाम है कि आज भारत की गंगा नदी जो है दुनिया की, इस कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, गंगा नदी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 इतनी लंबाई की नदियों में से है। निश्चित रूप से ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अभी आना बंद हुआ और व्यवहार कम हुआ, उसके कारण से प्रभाव कुछ हद तक और आगे बढ़ा है। हमने इस बात का अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था, मार्गदर्शन दिया था कि ये पहली बार ऐसा अवसर आया और भगवान करे आखिरी बार आए कि हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री एक साथ बंद है, लोग घर में कैद हैं। उस समय में पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, इसको स्टडी करने का तुम्हारे पास समय है। हमने अपने मंत्रालय के अधीन और जो सहयोगी मंत्रालयों के अधीन जिनके पास ऐसी कैपेसिटीज हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करके हमने पीरियोडिकल सैंपल सारे स्ट्रेचेस के लिए हैं, हमने उनको असेस किया है, स्टडी किया है, गंगा और यमुना में भी किया है और इसके अतिरिक्त अन्य नदियों पे भी किया है। कुछ प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिले हैं, वो स्वाभाविक है कि जब इंडस्ट्री बंद होगी लोग नदी में नहीं जाएंगे तो प्रभाव आएगा, लेकिन दूरगामी तरीके से हम इनको किस तरह से इनके प्रभावों को बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं।